नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है। देश भर में इस फेस्टिवल की धूम मची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र के लिए स्पेशल सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं। इस गाने की हर ओर तारीफ हो रही है, साथ ही पीएम मोदी के अंदर छिपे लिरिसिस्ट की भी चर्चा है। तो अक्षय कुमार ने गाना सुनने के बाद एक बात कही है, तो आइए आपको बताते हैं क्या कहा अक्षय कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग गर्बो के लिरिक्स लिखे हैं। हाल ही में ये गाना रिलीज हुआ जिसे वायरल होने में जरा भी देर नहीं लगी। ध्वरी भानुशली की आवाज में सजे इस गाने की हर तरफ चर्चा है। कई लोगों ने पीएम मोदी द्वारा लिखे गए लिरिक्स की तारीफ कही है। वही जब अक्षय कुमार ने गाना को सुना तो उन्हें एक बात की चिंता सताने लगी जिसकी शिकायत उन्होंने पीएम मोदी से की है। तो आइए जानते हैं क्या है असली वाजरा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखा गया गर्बो आने वाले दिनों में नवरात्रि सेलिब्रेशन के दौरान बजने वाला है। इस सॉन्ग का मकसद नवरात्रि के दौरान एकता और सांस्कृतिक विविधता को दिखाना है। ध्वनि भानुशाली में गाने को आवाज दी है और साथ ही एक्टिंग भी की है। अक्षय कुमार को गाना पसंद तो आया लेकिन एक बात की चिंता भी सताने लगी है। अक्षय कुमार ने मजाकिया अंदाज में कहा, वाकई शानदार है मोदी जी, सर आप हमारे फील्ड में भी, हम कहां जाए। सभी को शुभ नवरात्रि। अक्षय ने यह बात मजाकिया अंदाज में कही है। असल में उन्होंने पीएम मोदी के लिए गाने की तारीफ की है। सॉन्ग रिलीज होने के पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे द्वारा वर्ष में पहले लिखी गई गरबा की इस मनमोहक प्रस्तुति के लिए ध्वनि भानुशाली, तनिष्क बागजी और जस्ट म्यूजिक की टीम को धन्यवाद। यह कई यादें ताजा कर देता है। मैं अब कई वर्षों से नहीं लिखा है लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक नया गरबा लिखने के लिए मैं प्रोडक्शन किया है जिसे मैं नवरात्रि के दौरान शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और गरबा सॉन्ग कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताइएगा। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड हिकअप्स।